हेलो गाइस एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड छोटों को मेरा हेलो, बड़ों को मेरा नमस्ते एंड सभी को मेरा राम राम। तो एक्चुअली मुझे आपसे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी थी। पहले तो आप ये बताओ कि आप लोग सब कैसे हो, होप सब फाइन होंगे, घर पे भी आपके सब फाइन होंगे। एंड मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से, लाइक मैंने कुछ ना वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर ही, एंड लिटरली मुझे देख के लगा यार ये क्या चल रहा है। बट ठीक है, आप लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। उनके उस वीडियो पे थे अराउंड 1 मिलियन लाइक थे उस बंदे के चैनल पे, वो कुछ अच्छे सब्सक्राइबर थे। तो एक्चुअली उस वीडियो का कंटेंट क्या था मैं आपको बताऊं, वो बंदा राइड करता है छोटी सी, ठीक है, वो नॉर्मली चल रहा है। देन लास्ट में क्या करता है, ट्विस्ट बनाने के लिए, लाइक जैसे यहाँ पे मान लो बच्चे खेल रहे हैं और वो यहाँ पे खड़े होकर रिव्यू दे रहा है। देन बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो वहाँ से बॉल आके उसके हेलमेट पे लगती है, वो बैट बॉल बच्चों की छीन लेता है। एंड देन कहता है कि ये कोई खेलने की जगह है, तुम रोड पे खेल रहे हो, ये है वो है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो एंड में वो बच्चे कहते हैं कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं और हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं, तो उन्हें बैट बॉल दे देता है कि तो हाँ ये तुम्हें सब्सक्राइबर है। बट यार लिटरली वो साफ पता लग रहा था कि एक फेक कंटेंट है। अगर वो फेक नहीं भी है तो फिर भैया तू वहाँ खड़ा क्यों हुआ, लाइक बच्चे खेल रहे हैं यार, बच्चे ऐसा तो नहीं है, अब वहाँ पे ज़रूरी है कि आसपास पार्क हो, ना हो सकता ना हो, तो भाई वहाँ तू खड़ा थोड़ा दूर खड़ा हो जाता। और पब्लिक ने उस पर इतना सपोर्ट किया, लाइक इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, इतने सारे लाइक्स आ रहे हैं, तो मुझे बस ये लगा कि यार क्या हो रहा है। मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप लोगों ने सपोर्ट मत करो, आपको जिसको सपोर्ट करना है करो, बट यार एटलीस्ट जो ट्रू कंटेंट बना रहे हैं उन्हें तो सपोर्ट करो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ट्रू कंटेंट बनाते हैं, ट्रू एंड लाइक काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं। एंड लाइक मेरी वीडियोस भी देख लो, मैं सारे ट्रू कंटेंट बनाता हूँ, मैं कुछ भी फेक कंटेंट नहीं डालता, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस रेगुलर डाली है, पर लाइक लाइक्स नहीं आ रहे एंड व्यूज़ भी नहीं आ रहे, लाइक क्या हो रहा है। तो जस्ट मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा यार कि जो न्यू यूट्यूबर्स हैं एंड जो सपोर्टिव हैं, थोड़े जो ट्रू हैं, उनको सपोर्ट दिखाओ, जो सपोर्टिव पर्सन है आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और जो बाकी भी न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए जो ट्रू कंटेंट डालते हैं। एंड सेकंड थिंग, एक मैंने वीडियोस देखी कि यार वो बंदा राइड कर रहा है, R15 बाइक है उसके पास, एंड वो इतनी बुरी राइड कर रहा है ना, लाइक ड्रिफ्ट राइड कर रहा है वो, मतलब गाड़ी के पास जा रहा है या किसी बाइक के पास जा रहा है, एकदम से ड्रिफ्ट मार रहा है, देन सीधा चला जा रहा है, मतलब बहुत बुरी राइड कर रहा है। एंड पब्लिक उसे भी सपोर्ट कर रही है, लाइक दे रही है यार, 184K लाइक अराउंड थे उसके। तो यार क्या हो रहा है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो उस चीज, मैं उस चीज़ को बिल्कुल मना करूंगा कि आप लोगों को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। और ऑनेस्टली मेरे मन में तो यह आया, पहली थिंग तो यह आई कि मुझे उसके लिए खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि यार ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना ठीक नहीं है भाई। यार इतनी बुरी राइड कर रहा है, किसी की भी जान जा सकती है, उसकी खुद की जा सकती है, किसी और की भी जा सकती है, यू नो एक्सीडेंट होता है तो किसी की भी जा सकती है यार, तो ऐसी राइड क्यों कर रहा है वो बंदा, और वही चीज़ यूट्यूब पे डाल रहा है और लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, इतने लाइक दे रहे हैं, उसके सब्सक्राइबर भी इतने। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, जो फेक कंटेंट डाल रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा ठीक है आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है कोई बात नहीं, वो उसमें भी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये बंदा मेहनत कर रहा है क्या कर रहा है यार, किसी की जान के साथ खेल रहा है बंदा, तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट मत कीजिए यार, इतनी बुरी राइडिंग कर रहे हैं लिटरली। मुझे तो गाड़ी भगानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जगह मिले तो भगाओ, उस रोड जो रोड उस लायक हो कि गाड़ी भगा सके, बाइक भगा सके, उस पर भगाओ, लेकिन ऐसे रिस्की ड्राइविंग, इतनी ज़्यादा रिस्की राइडिंग, वो बहुत गलत है। तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, और जो न्यू यूट्यूबर्स हैं एंड लाइक मी, आप सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए और व्यूज दीजिए, सब लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फेक कंटेंट को भी ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं, आपकी मर्जी है उनको सपोर्ट करना है नहीं करना है, लेकिन ऐसे कंटेंट को सपोर्ट मत कीजिए जो बिल्कुल ही किसी की जान रिस्की बना के कर रहे हैं, कुछ रिस्की बना के कर रहे हैं। तो जस्ट मुझे यही कहना था, बाकी आप लोग इस व्यू को इन्जॉय करो। यहाँ तक तो थोड़ा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पहले कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा था यहाँ पे, एंड बट वही है ना, गवर्नमेंट सारी जगह बेकार करती जा रही है, बट ये जो जगह है यहाँ पे आके आप लिटरली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, लाइक बहुत पेड़ पौधे अच्छे हैं
एंड काफ़ी कुछ है एंड बहुत ज़्यादा शांति मिलती है एक्चुअली यहाँ पे आके। और व्यू भी बहुत अच्छा है यार लोग, अभी यहाँ से सिग्नेचर ब्रिज दिखेगा आपको आगे से, आप ये व्यू भी देखो कितना प्यारा व्यू है, लाइक दोनों साइड पेड़ एंड बीच में रोड, तन बहुत ऑसम लगता है। आई नो थोड़ा अंधेरा हो गया, मैं थोड़ा लेट हो गया ऑफिस वर्क में, बट आप व्यू को थोड़ा इन्जॉय करो एंड उसको भी देखो आप। अभी सिग्नेचर में जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप इतने व्यू को इन्जॉय करो यहाँ के। अब लाइट जला देते हैं बाइक की, होप विजिबिलिटी अच्छी होगी। एंड यस हम लोग पूरा ट्राई करेंगे, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं डेली वीडियो डाल पाऊँ। एक्चुअली कुछ इश्यूज आ रहे हैं, पता नहीं वो इश्यूज क्यों आ रहे हैं, कभी वॉइस का इशू आ रहा है किसी वीडियो में, कभी कुछ हो रहा है। एंड अभी दो तीन दिन से एक इशू आ रहा है कि फ़ाइल डेली करप्ट हो जा रही है, जो व्लॉग शूट करते हैं वो करप्ट हो जाती है फ़ाइल, तो पता नहीं क्या हो रहा है, बट हाँ शॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। एंड वो आपको लैपटॉप वाली जो सीरीज थी उसका लास्ट व्यू कैसा लगा वो बता, मतलब सॉरी व्यू कह रहा हूँ उसका, वो लास्ट वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइए। उस वीडियो में भी काफ़ी हमारा, एक तो एंडिंग की वीडियो थी काफ़ी, वो आई थिंक ठीक वीडियो थी, हमने कुछ नया ट्राई करा था उसमें लाइक भोजपुरी लैंग्वेज एंड काफ़ी ज़्यादा ठीक था वो, एंड मुझे लगता है कि लोगों ने पसंद भी किया वो। एंड उसमें हमने फेस रिवील भी करा था, लुक यहाँ से सिग्नेचर ब्रिज दिखता है, कि सिग्नेचर ब्रिज का व्यू कितना अच्छा है ना यार। किसी दिन सिग्नेचर, एक्चुअली यार आप लोग कमेंट में बताना कि क्या करना है, सिग्नेचर ब्रिज का व्यू दिखाएं, किसी दिन ऊपर चलते हैं वहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे कैसा है क्या है। एंड लुक काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ ऊपर जाके भी। सॉरी यार एक कॉल आ गया था एंड तो मुझे वो उठाना पड़ गया, तो लाइक यहाँ पे देखो यार क्या व्यू है, लाइक यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा रिस्की तो नहीं कह सकते यार, लेकिन यार व्यू देखो कितना प्यारा है यहाँ पे, लिटरली बहुत अच्छा व्यू है यार। एंड यार बारिश की वजह से ये पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया यार यहाँ पे, आई थिंक हाँ वो जो बारिश हुई है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी हो गया, वरना इतना पानी था नहीं यहाँ पे। लेकिन अच्छा लग रहा है, होप आपको दिख रहा होगा कैमरे में।